स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो स्ट्रांग मार्केट्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 8617 के लेवल्स पर निफ्टी कामकाज कर रहा है और दिन के उच्चतम स्तरों पर अब करीब 1% ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है। साथ ही बाकी इंडाइसेस भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप सेंसेक्स को देखिए, करीब 1% ऊपर है। निफ्टी बैंक में 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है और करीब 1.5% से भी ऊपर की ज्यादा की यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1% तक की तेजी स्मॉल कैप में और साथ ही मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। कौन से ऐसे शेयर्स और सेक्टर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है, ये भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज की जो रिजल्ट इंपैक्ट शेयर्स हैं उनके साथ, आज जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखिए शांति गियर्स, जीएचसीएल, रैलिस इंडिया और कल्याणी स्टील जैसे शेयरों में आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है क्योंकि अच्छे नतीजे आए हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे यूनिकेम लैब्स और टाटा मेटालिक्स, इनके कमजोर नतीजों के बाद एक दबाव देखने को मिल रहा है। टाटा मेटालिक्स का शेयर करीब 3.5% नीचे इस वक्त कामकाज कर रहा है। दूसरी ओर कल्याणी स्टील के बेहतरीन मुनाफे के बाद आप देखिए 19% से भी ज्यादा का उछाल अब शेयर पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। आज ऑर्डर इनफ्लो की खबरें थी, 473 करोड़ तक का कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिले हैं कंपनी को और करीब 2.5% ऊपर अभी भी 293 के लेवल्स पर यह शेयर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। मंदाना इंडस्ट्रीज को देखें तो कई दिनों की लगातार कमजोरी के बाद आज पर रुझान पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान खान को जो बरी किया गया है चिनकारा और पोचिंग केस के मामले में, उसके बाद कंपनी की जो बीइंग ह्यूमन चेन है उसके प्रमोटर है सलमान खान और उसी का रिफ्लेक्शन आप देखिए शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल रहा है। 5% ऊपर अब यह शेयर अपर सर्किट पर ही पहुंचते हुए नजर आया है। साथ ही आप देखें आज सरकारी बैंकों में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एकाएक निफ्टी बैंक में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन पीएसयू बैंकिंग स्पेस से आया है। अलाहाबाद बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, साथ ही कैनरा बैंक और ओबीसी जैसे शेयरों में अगर आप देखेंगे 5-7% तक का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। चीनी शेयरों की मिठास बढ़ती हुई नजर आ रही है, कई दिनों से अब यहां पर अच्छा मोमेंटम है। पैरी शुगर को देखिए आप, पोनी शुगर को देखिए, मवाना शुगर, द्वारकेश शुगर या फिर केसीपी लिमिटेड को अगर आप देखेंगे यहां पर करीब 6% तक का भी रुझान उस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। पेपर शेयरों में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जेके पेपर को देखिए आप, बिल्ट को देखिए, वेस्ट कोस्ट पेपर को देखिए, 14% तक ऊपर यहां पर वेस्ट कोस्ट पेपर का शेयर कामकाज कर रहा है। इन सभी पेपर शेयरों में आज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही टेक्सटाइल शेयरों की भी आज चमक बढ़ती हुई नजर आई है। आप देखिए लंबोदरा टेक्सटाइल आपकी स्क्रीन पर 8.5% ऊपर। साथ ही आप देखिए पाइनर डिस्ट्रीज को देखिए या फिर रूबी मिल्स को देखिए, सतलज टेक्सटाइल्स को देखिए, इन सभी में आप देखेंगे तो अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। 9-10% तक की भी तेजी इस पूरे ही स्पेस में देखने को मिल रही है। साथ ही मिड कैप के कुछ अच्छे चढ़ने वाले शेयर्स हैं, वहां पर देख लेते हैं किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली मिड कैप इंडेक्स को देखें तो 1.5% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। जो पार्टिसिपेशन आ रहा है मिड कैप शेयरों में से उनमें आप देखिए नाम किस किस का शामिल है। मेडलिस्ट फोर्जिंग्स का नाम शामिल है, यहां पर जेएमसी प्रोजेक्ट्स का नाम शामिल है, आरपीजी लाइफ का नाम शामिल है और 11-19% तक का उछाल इस पूरे स्पेस पर देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा पार्टिसिपेशन इस वक्त मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे मार्केट्स में बाजार के जानकारों का क्या मानना है, खासतौर पर निर्मल बैंक के राहुल अरोरा की टॉप पिक्स क्या है, ये सुन लेते हैं। पिछले 3 महीने में हम काफी अग्रेसिवली फार्मा को पुश कर रहे थे, स्टॉक्स लाइक सिप्ला, लूपिन, डॉक्टर रेड्डीज। पर्टिकुलरली डॉक्टर रेड्डीज में काफी अच्छी रैली भी आई है पिछले 1.5-2 महीने में, तो वो एक सेक्टर था जहां हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है और जहां प्राइसेस काफी करेक्ट हो चुके थे। तो आई थिंक द ट्रेड कैन मूव फ्रॉम आईटी टुवर्ड्स फार्मा बिकॉज बोथ आर एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स। और अगर आपको फार्मा के वैल्यूएशंस थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल दिखें बिकॉज ऑफ द प्राइस करेक्शन और ग्रोथ आए, तो वो एक ट्रेड ऑफ मेरे को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक प्रोग्रेसिवली बैंक्स में भी ज्यादा पैसा आने की संभावना है। तो आई थिंक बैंक्स, एफएमसीजी एंड टू सम एक्सटेंट फार्मा एंड टू सम एक्सटेंट ऑटो वुड बी द 4 प्रेफर्ड सेक्टर्स फॉर मी फॉर द ईयर। राइट, चलिए कुछ और नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे आए हैं और मिक्स रुझान रहा है इस वक्त के नतीजों पर। अगर आप प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान देंगे तो सीक्वेंशियल आधार पर 9% तक की कमजोरी जरूर देखने को मिली है, हालांकि ईयर ऑन ईयर यहां पर उतने ही परसेंट तक की या 9% के आसपास तक की बढ़त देखने को मिली है। शेयर अभी करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली है, 701 करोड़ तक के रेवेन्यूज क्लॉक इन किए हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में, 3.6% तक का उछाल देखने को मिला है। कंपनी की मैनेजमेंट भी अब हमारे साथ मौजूद है नतीजों बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और साथ ही प्रेजेंट सर्विसेज हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के। मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका और शुक्रिया अपना समय हमारे साथ व्यतीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे नतीजों पर ही जानना चाहेंगे, काफी मिक्स रुझान इस क्वार्टर में देखने को मिला है। टॉप लाइन फ्रंट पर थोड़ी बढ़त देखने को मिली है सिक्वेंशियल आधार पर, हालांकि प्रॉफिट फ्रंट पर या फिर बॉटम लाइन पर अगर कहें तो 9% तक का डेंट जरूर देखने को मिला है। क्या कुछ वजह रही है जिसकी वजह से एक डिप देखने को मिला है इस क्वार्टर के प्रॉफिट्स पर?
नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके शो में। देखिए, हमारे जो नतीजे हैं इसको मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से पेश करना चाहूंगा। हमारी जो सारा जो क्वार्टर की कमाई है 104.76% जो $76 मिलियन रेवेन्यू जो हुआ है, ये इसमें हमारा करीब 28% जो है वो प्रोडक्ट रेवेन्यू है। हमने जब पिछले Q4 में हमने जब ये अनाउंसमेंट किया था कि एक बड़ा डील हम करने वाले, उस टाइम हमने बताया था कि करीब 200 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट हमारे मुनाफे पे हो सकता है, वो अभी दिख रहा है इस बार के रिजल्ट में, तो ये एक्सपेक्टेड है। दूसरा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो आप बात कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुई है। अगर आप देखिए, पिछली बार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वो दूसरा था, वो गैप था, और इस बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसकी वजह से अगर सेम टू सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो पिछली तिमाही से भी इस तिमाही में एक्चुअली हमारे जो प्रॉफिट है वो बढ़े हैं। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे हैं, और अगर रेवेन्यू ग्रोथ जो देखिए, जो 28% जो प्रोडक्ट रेवेन्यू है, इसमें कॉस्ट पहले इनकर होता है, तो हमारा कॉस्ट जो है फुल्ली बेक्ड इन है हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में, और इसका जो आगे जो चल के अगले को जो 3-4 क्वार्टर बाकी हैं उसमें हमारा जो ओवरऑल जो अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा हमारे बॉटम लाइन पे पड़ेगा। राइट, तो मिस्टर सिंह, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि कहीं ना कहीं एक्विजिशंस की वजह से, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से एक ये वन ऑफ इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, बट अदरवाइज द रिजल्ट्स आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस एज पर यू। पर आगे जाते हुए अगर आप देखें तो क्या वेज हाइक का भी इम्पैक्ट हमें आगे आने वाली तिमाहियों पर देखने को मिल सकेगा, या फिर वीजा हाइक का कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आगे आने वाले मार्जिन पर, और मार्जिन पिक्चर आउटलुक बेसिकली क्या है अगले कुछ तिमाहियों के लिए अगर बात करें तो? देखिए, पिछली तिमाही में हमारा करीब 100 बेसिस पॉइंट इंपैक्ट ऑलरेडी वीजा का हो चुका है और हम उसको अब्सॉर्ब कर चुके हैं। इस वाले तिमाही हमारा जो वेज हाइक होता है हम जुलाई में करते हैं, करीब 250-300 बेसिस पॉइंट इंपैक्ट होता है उसका। लेकिन अगर हमारा यूटिलाइजेशन देखिए, जो लीनियर बिजनेस एक बहुत बड़ा कारण होता है, करीब 75.4% है, जो मेरे ख्याल से काफी स्कोप देता है हमारा इंप्रूवमेंट बढ़ाने के लिए। और दूसरा चीज, आप जो प्रोडक्ट रेवेन्यू की बात करें जो 28% है, तो आईपी रेवेन्यू इस तरह का है कि उसके कॉस्ट हम पहले इनकर कर चुके हैं, तो उसमें अगर जो भी हमारा जो इंक्रीज होता है जो टॉप लाइन में, वो सीधा बॉटम लाइन में जाता है, तो हमारे पास काफी लीवर है। हमारा ऑन साइड जो है वो हमने काफी इन्वेस्ट कर रखा था, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है जो हमने जो अक्वायर किया है उसमें काफी मतलब ऑन साइड था, उसको हम ऑफशोरिंग कर सकते हैं, तो ऑफशोरिंग इंक्रीज होने से ये मुनाफा बढ़ता है। तो काफी लीवर है, और इस तरह के लीवर मतलब काफी मतलब मुश्किल नहीं होता है इनको मैनेज करना। हमारा जो आगे जो होगा, अभी किस क्वार्टर में मुनाफा बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगले 3-4 क्वार्टर में मुनाफा डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। जहां है 3-4 तिमाहियों में मुनाफा, यहां से अपसाइड की उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, या फिर हाल में अभी हमने जो ब्रेग्जिट का इशू पास किया है, किस तरीके से ग्लोबल इशूज का इम्पैक्ट अभी आप देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री पे, एंड स्पेसिफिकली अगर हम पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की भी बात करें, और क्या कोई काउंटर स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेटेड हो चुके हैं अपनी पार्टी से अब यहां पर, और उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ इम्पोज करने के प्रस्ताव रखे हैं आईटी इंडस्ट्री पर, डू यू थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ एन इंपैक्ट? देखिए, इंडस्ट्री के ऊपर बिल्कुल इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और काफी नॉइज होती है आउटसोर्सिंग और वीजा वगैरह लेके। लेकिन जैसे हमारी कंपनी में हमने 3-4 साल पहले से डिलिबरेट स्ट्रैटेजी रखा है कि हम ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं। हमारे जो डेवलपमेंट जो काम होता है, जो हम सर्विस डिलीवर करते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं करते हैं, हम फ्रांस से करते हैं, मलेशिया से करते हैं, अमेरिका में हमारे 3 सेंटर है, इजराइल में सेंटर है, मेक्सिको में सेंटर है, आयरलैंड में सेंटर है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो वीजा इंपैक्ट होता है बहुत मिनिमल होता है। यूएस में हमारा खुद का डेवलपमेंट सेंटर है, आज हमारा जो वीजा डिपेंडेंसी है करीब 50% से थोड़ा ही कम होगा, मतलब बहुत बहुत कम इंपैक्ट डिपेंडेंसी है वीजा के ऊपर। तो ओवरऑल उसकी वजह से हमारा जो रिस्क है वो हमारा रिस्क प्रोफाइल बहुत अलग है, हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। दूसरा, ब्रेक्जिट का इंपैक्ट हमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे यूरोप से ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, हम पिछले 2-3 साल से ही यूरोप में फोकस कर रहे हैं, तो यूरोप का जो मार्केट है उसको ओपन करने के लिए कम से कम 5-6 साल लगते हैं। तो अभी टू अर्ली, हमारे लिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन आगे चल के ये सब वॉलेटिलिटी, मेरा मानना है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज होगी ओवरऑल, और हमारी जैसी कंपनी के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि इस वॉलेटाइल मार्केट में कस्टमर हमारे जैसे लोगों के साथ बात करने को तैयार होते हैं। इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, पिछले क्वार्टर से इस तिमाही में हमारा ऑर्गेनिक रेवेन्यू 4.33% जो ग्रोथ हुआ, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये एक्विजिशन रिलेटेड ग्रोथ नहीं है। राइट सर, कमिंग बैक टू द रिजल्ट्स, आई वुड वांट टू नो कि जो अभी आपने रिसेंट एक्विजिशंस किए हैं उसका कितना कंट्रीब्यूशन इस तिमाही में अगर टॉप लाइन में देखने को मिला है, और आगे जाते हुए क्या आप कुछ और मर्जर्स और एक्विजिशंस की तरफ बढ़ रहे हैं? मर्जर एक्विजिशन देखिए, हमने हमेशा से ये मेंटेन किया रखा है कि हम काफी सारे एरिया में फोकस टारगेट, लाइक IoT हुआ, मशीन लर्निंग हुआ,
कुछ जियोग्राफी है, ऑस्ट्रेलिया में हमने एक एक्विजिशन किया, यूरोप में हम देख रहे हैं। तो हमारा एक्विजिशन का एक बहुत डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है, हमारे पास एक पाइपलाइन है, हम काफी बैंकर्स से काम करते हैं जिनको हम कंटिन्यूसली स्कैन करते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए फायदेमंद है एक्वायर करने के लिए। हम कैपेबिलिटी के लिए एक्वायर करते हैं जो बहुत स्ट्रैटेजिक होगा, या तो मार्केट या फिर ऐसी कैपेबिलिटी जो हमारे पास नहीं है। तो एक्विजिशन एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है। जो हमने पिछली बार ही बोला था, करीब 15% जो साल का है जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसका इंपैक्ट है, वो हमने पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। अगर आप हमारा रन रेट देखिए, हमने पिछले साल $351 मिलियन का बिजनेस किया था, ऑलरेडी पहले क्वार्टर में 104.73 मिलियन है। तो रन रेट के हिसाब से आप देखें तो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हमारा ग्रोथ काफी अच्छा होगा इस साल। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिजल्ट्स पर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल।